ये जो कार्यकर्ता सम्मेलन है इसका एक उद्देश्य ये भी है कि हम गणतंत्र के 75वें वर्ष में प्रवेश कर गए हैं और साल भर गणतंत्र पर्व के प्रोग्राम होंगे। कोई एनजीओ इस प्रोग्राम को करे, पार्टी के लोग करे, समाज के और लोग करे, गणतंत्र हमारा और कैसे मजबूत हो, हमारे गणतंत्र में और खूबसूरती कैसे आए, इस पे हम सुझाव भी लेंगे और इस उद्देश्य से आज का ये कार्यकर्ता सम्मेलन है। इंडिया गठबंधन जिस तरह से बिखराव हो रहा है, इंडिया गठबंधन आपने मना कर दिया, उधर तृणमूल ने पहले मना कर दिया। I.N.D.A. सब जगह डॉट ही डॉट था तो अटक गया और क्या। और हमें भी पहले लग रहा था कि भी ये इतने विपरीत विचारधाराओं के लोग, लेकिन फिर भी वो कह रहे थे कि नहीं हम सीट शेयरिंग कर लेंगे, और अब आपके सामने है सीट शेयरिंग कोई नहीं कर पा रहा है। लेकिन हम उनकी बात कम करके हमारी भारतीय जनता पार्टी की बात हम ज़्यादा करेंगे कि हमारे एनडीए में बहुत एकजुटता है और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे पास एक नेता भी है, हमारी एक नीति भी है कि हम 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाएंगे, ऐसी हमारी नीति भी है और हमारी नीयत भी साफ है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है कि 2024 में बहुत प्रचंड बहुमत से मोदी जी पुनः तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। पोटास मिला है उस पर क्या कहेंगे? पोटास वैसे यहाँ कई वर्षों से खोज हो रही थी, था, लेकिन एक टेक्निक का अभाव था। फिर MMDR एक्ट में अमेंडमेंट हुआ, उसके बाद भी एक प्रॉब्लम आ गई। पिछली सरकार ने क्या किया कि इसका ऑक्शन वो करने में असमर्थ रहे, ग्लोबल टेंडर करना था, तो हमने फिर दोबारा MMDR एक्ट में अमेंडमेंट करके इसको क्रिटिकल मिनरल घोषित किया है। तो अब भारत सरकार ही इसका ऑक्शन करेगी। जल्दी ही हमारे मुख्यमंत्री राजस्थान के भजनलाल जी शर्मा और कोयला और खनिज मंत्री प्रहलाद जी जोशी एक मीटिंग करेंगे जयपुर में, उसके बाद इसका रास्ता जल्दी साफ हो जाएगा। एक पायलट प्रोजेक्ट लखासर में लगा हुआ है और बड़ी मात्रा में पोटास है, इसकी जानकारी मिली है। एक हनुमानगढ़ के पास सतीपुरा में भी एक पायलट प्रोजेक्ट है, वहाँ भी पता चला है कि बड़ी मात्रा में पोटास है। तो हम डूंगरगढ़ से शुरू करते हैं तो हनुमानगढ़ तक इस पूरे बेल्ट में लूण कंसर वाले में इसमें पोटास है।